दोस्तों ये बात हम सबको पता है कि दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है वो ज्यादातर समुद्री जहाजों से किया जाता है, क्योंकि समुद्री जहाज सबसे सस्ता साधन है व्यापार करने का। अब ऐसा ही कुछ चल रहा था अमेरिका में भी। जब अमेरिका के एक कोने से सामान को दूसरे कोने में भेजना होता था तो इसके लिए ट्रक्स का इस्तेमाल ना करके समुद्री जहाजों का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर अमेरिका के न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को में अगर कोई सामान भेजना है तो ट्रक से इसकी दूरी 4600 किलोमीटर की पड़ती है और ये काफी महंगा साधन भी है। इसी वजह से सामान को समुद्री जहाजों से भेजा जाने लगा। लेकिन पहले जहाज को पूरा साउथ अमेरिका घूमकर जाना पड़ता था, जिस वजह से एक महीने का समय लग जाता था। लेकिन फिर अमेरिका ने पनामा देश में एक केनाल बनवाया, जिससे शिप्स इस केनाल से निकलने लगे। ऐसा करने से अमेरिका ने पनामा के साथ मिलकर काफी समुद्री जहाजों से काफी टोल टैक्स भी कमाया। लेकिन अब चीन की नजर निकरगुआ देश पर है। अब चीन इस देश में भी एक केनाल बनवाएगा ताकि आधे से ज्यादा शिप्स यहीं से ही गुजर जाए।